ये तस्वीरें उस दौरान की है जब एक चाय वाला चाय पीने के लिए गरीब परिवार के घर पहुंच गया। फर्क बस इतना था कि चाय पीने वाला शख्स आज देश का प्रधानमंत्री है। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि पीएम मोदी की छवि ऐसे नेता की है जो सीधे जनता से संवाद करते हैं। इसकी झलक शनिवार को अयोध्या में भी देखने को मिली। पीएम मोदी उज्ज्वला योजना की एक लाभार्थी के घर अचानक ही पहुंच गए। यहां उन्होंने उज्ज्वला योजना की लाभार्थी के आवास पर चाय पी और उनसे संक्षिप्त बातचीत भी की। चाय पीने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूं, मुझे पता रहता है कि चाय कैसे ऐसा मत कीजिए आप लोग। तो आप सूरत के पिताजी हैं? अच्छा, और ये कौन है? मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है, ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बार। तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। चलिए अच्छा हुआ आप मेरे घर पधारे। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए जी? तो पिलाओ ना फिर। वाली चाय तो दूध यहाँ का मिल जाता है जी, पैकेट वाला। आप मीठी चाय पीते हैं? आप हमसे मीठी हो ही जाती मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है? आपने बना दिया जी आपके कृपा से। ठीक से बना है? हाँ। पहले कहाँ रहते? पहले झोपड़ी था, यहाँ कपड़े का घर था। हाँ, कहाँ रहते जी? और अब अच्छा बन गया जी। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए जी। तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपए 200 ऐसे आता है जी। और गैस कब से मिला है? ये कल मिला। कल मिल गया जी। अच्छा, तो गैस चलाना आता है जी? कल सीखे हैं। कल सीख लिए जी। तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए, अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया होगा? हाँ, सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ, फिर ले दिया था उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या नहीं? वो बुरादा। अच्छा, बुरादा बाहर से लाना पड़ता जी, खरीद के लाते थे जी। तो अभी अभी तो आपको बहुत फायदा हो जाए, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा, बच्चे बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। तो मेरा जी आप कुछ काम वाम भी करती हैं जी? फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं जी? कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो आपको लोग बहुत आते होंगे जी? हाँ। तो फूल कम पड़ जाएंगे? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी। कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला, बिजली मिली, घर मिला, अनाज मिला जी। वाह। और पानी मिल गया? पानी भी मिलता है। आप लोग सब भगवान मिलते? नहीं नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। वो मेरे लिए भगवान है। लोग आपसे बहुत खुश है, इतना खुश है। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ हमारे घर भगवान। चलिए, अब तो मकान बन गया आपका जी। तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है जी। कितना मिला आपको घर बनाने? 2.5 लाख। 2.5 लाख एक ही किस्त में मिला? अलग 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 किस्त? अलग अलग किस्त जी। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा जी। और सीधा बैंक खाते में आ गए जी? कोई किसी को रिश्वत नहीं लेने? नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं। किसी को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रुपए मुझे दे दो? नहीं, किसी को मैंने नहीं दिया, एक भी रुपया नहीं दिया। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूँ, मुझे पता रहता है कि चाय कैसी।